वेलकम एवरीवन यार। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज मैं अपनी गाड़ी का रिव्यू लाया हूँ आपके पास। मैंने प्रोजेक्ट गाड़ी ले ली थी एंड इट्स सिविक 1998 मॉडल। बड़ी अच्छी कंडीशन में मुझे मिली है गाड़ी, और गाड़ी आउटर से थोड़ी शावर्ड है, इसका इंटीरियर बिल्कुल जेन्युइन है, मैकेनिकल वाइज ओके है। इंशाल्लाह बस इसके काम स्टार्ट करेंगे। हम इस पर यार वो किया था, रिम टायर इंस्टॉल किए थे एंड वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे कि हम उसको मतलब कौन से वाले डाले, कौन से सेलेक्ट किए, इसके स्टॉक कौन से थे। तो चले गाड़ी की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कौन सी गाड़ी। अब आप गाड़ी दिखाते हैं कौन सी है। तो यह है सिविक 1998 मॉडल है इसका, और ये बेसिकली 1.5 में आती हैं, लेकिन इस वाली प्रॉपर जो ये वाली गाड़ी है इसमें 1.6 लगा हुआ है। एंड इसकी आप देख सकते हैं सामने से ग्रिल चेंज करवाई हुई है मैंने, इसमें हेलोजन लाइट्स आती हैं, ये इसकी इंडिकेटर लाइट्स ये मैंने ऑन करवाई हैं। इसकी ये साइड पे इंडिकेटर के लिए भी टर्न ऑन रहती है। साइड में आते चले तो इसमें यार हमने अलॉयज डाले थे जो 15 इंच के हैं। अब इसमें पहले हमने टायर डलवाए थे, वो बड़े थे, तो वो आप देख सकते हैं फेंडर्स पे टच हो रहे थे। तो इसकी प्रोफाइल पे हमने छोटी कर दी थी, पहले 185 थी, अब 175, 65, R15 है इसकी। इसके आप डोर देख सकते हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है और ये बॉडी कलर में बिल्कुल नहीं है। इसको हम बाद में कराएंगे। तो ये भी बैक के रिम है, देखें बड़े प्यारे लगते हैं यार ये रिम तो। और ड्रॉप करने के बाद जब गाड़ी से बैठ जाएगी तब इसका क्या ही मज़ा आएगा। और ये इसका अल मशहूर एंटेना, वैसे ये इसमें जेन्युइन आता है जिसको आपको निकालना पड़ता है, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉनिक भी आता है जिससे बटन से खुल जाता है। पिछली साइड पर चले तो यार इसमें ये स्पॉयलर पहले से लगा हुआ है, और ये सी लाइट्स हैं यहाँ पे भी देखें, ये ज़रा डल सी हैं क्योंकि पुराना मॉडल है। तो इसमें अभी आजकल LEDs मिल जाती हैं, डिग्गी में कुछ ख़ास है नहीं इसका, सिर्फ एक एम्बलम है। और यहाँ पे आपको चाबी मिल जाती है, यहाँ से ही खुल जाता है। तो बाकी पीछे से ऐसी ही कुछ नज़र आती हैं, सिर्फ बाहर से गाड़ी शावर्ड हुई हुई है, लेकिन इंटीरियर इसका फुल जेन्युइन है। इसके यहाँ रिम देख सकते हैं बड़े प्यारे लग रहे हैं। गाड़ी का इंटीरियर आपको दिखाते हैं किस टाइप का इंटीरियर है इसका। तो अंदर जाते साथ ही आप नोट कर सकते हैं कि इसमें हाइट वाली सीट्स नहीं आती क्योंकि 1.5 वेरिएंट है इसका। डोर कार्ड आप देखें, 4 विंडोज ऑटो में आती हैं, ये इसका लॉकिंग है, और यहाँ पे स्टोरेज सेफ है। तो अंदर बैठ के चेक करते हैं। तो यार ये इसका स्टेयरिंग है, इसमें दो आते हैं, एक 4 स्पोक वाला, ये 3 स्पोक वाला स्टेयरिंग व्हील है। ये इसका जेन्युइन मीटर लगा हुआ है, और ये इसका जो गियर नॉब है ना, ये आफ्टर मार्केट मैंने लगाया हुआ था, तो इसमें ये पहले से नहीं आती, ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पे इसका डेक प्लेयर है, और ये इसके एसी की कंट्रोल्स हो गए, ये हैजर्ड लाइट है, और वहाँ पे एसी की वेंट्स हैं, और ये इसका हैंडब्रेक आ गया, ये इसका आर्मरेस्ट देख सकते हैं आप। अब सीट इसमें फैब्रिक वाली आती हैं जो कि अच्छी सीट्स हैं, मतलब आपको इतनी हीट फील नहीं होती गाड़ी में। और यहाँ पे ये डिमिंग मिरर है मैनुअल, यहाँ पे आपको नहीं मिलता मिरर, यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा। तो यार ये तो फ्रंट से गाड़ी का इंटीरियर था, अब मैं आपको बैक पे बैठ के इसका दिखाता हूँ कि बैक पे स्पेस कैसी। वैसे तो ये फुल साइज सेडान है तो अच्छी है, और नीचे भी है काफ़ी, तो भी जिसे आपको दिखाते हैं ये। पीछे वाली साइड है इसकी, अब देख सकते हैं इंटीरियर इस गाड़ी के साफ है, जेन्युइन कंडीशन में है, और देख सकते हैं इसकी हालत। तो अंदर बैठ के मैं आपको दिखाऊंगा।
तो यार यहाँ पे तीन बंदे इजीली एडजस्ट हो सकते हैं क्योंकि एक सेडान है, तो तीन बंदे कंफर्टेबल एडजस्ट हो सकते हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे, एक बीच में, एक उस साइड पे, बाकी हेडरेस इसमें है नहीं बल्कि ना होने की बराबर है। और यहाँ पे कुछ खास आता नहीं है, और यहाँ पे भी ऑटो डोर लॉकिंग एंड ये सब है। बीच में एक लाइट दी गई है, तो ये पीछे इसका था। इंजन दिखाते हैं, ये इसका 1.6 लीटर इंजन है। इसमें हमने ड्राई बैटरी डाली हुई है, और इसमें आता है 1.5, लेकिन इसमें हमने 1.6 डाला हुआ है। तो ये इसका इंजन हो गया, इंजन पे भी काफ़ी साफ है। अच्छा, ये ग्रिल जो आप देख रहे हैं ना, ये हमने आफ्टर मार्केट लगवाई थी, क्योंकि इसकी अपनी जो आती है उसमें वो होंडा यहाँ पे लिखा होता है, वो क्रोम गया होता है, तो उसको हमने चेंज करके वो लगाया हुआ है। आफ्टर मार्केट ग्रिल लगी हुई है, बाकी इसका बॉनेट हो गया है, इंजन। अभी तक तो इस गाड़ी में हमने सिर्फ रिम टायर चेंज किए, लाइटिंग फेटिंग डाली है, और बाकी कुछ नहीं किया, फुल स्टॉक कंडीशन में है। तो इसमें अभी हम कॉइल ओवर्स डालेंगे, और इसकी जो टायर देख सकते हैं बॉडी से बाहर आए हुए, स्ट्रेच किए गए हैं। अब आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 175/65 R15। इसमें जब कॉइल्स आ जाएंगी तो ये गाड़ी तकरीबन इतने नीचे आ जाएगी, और हो सकता है इसमें हम कैम्बर भी करवाएं, तो कैम्बर से ये थोड़ी सी अंदर की साइड हो जाएगी, तो गाड़ी ड्रॉप अच्छी लगेगी। इसका एंटीना हो गया, आपको अगर नज़र आ ही रहा है। यार मैं आपको बताता चलूँ, ये गाड़ी जब हमने ली थी ना, तो ये हमने पार्क व्हील से इसकी इंस्पेक्शन कराई थी। एक अच्छी सर्विस है, और आपको गाड़ी के बारे में डिटेल से बता देती है कि गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो अभी इसमें थोड़ी हल्का छोटा मोटा काम है, मुझे पता है कौन सा करना है इसमें, करने वाला है जल्दी, तो इंशाल्लाह हम कराएंगे। बाकी इसको इन फ्यूचर हम ड्रॉप कराएंगे, स्ट्रेट पाइपिंग होगी इस गाड़ी की, और ऑटो शोज पे फिर जाएंगे। तो काम चल रहा है, गाड़ी पे स्लो स्लो हो रहा है। बाकी यार लुक तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, सोच रहा हूँ इसको रैप करवा लूँ मैं। होंडा सिविक 1998 का EXi का रिव्यू, वो फुली आपको पसंद आया होगा। गाड़ी भी प्यारी है, हेलो भी प्यारी दे रही है। इसको हम इंशाल्लाह और बनाएंगे, मॉडिफाई कराएंगे, एंड इसकी लुक और निकल के आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।